सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। कॉर्पोरेट गलियारों में आजकल अनन्या बिरला की काफी चर्चा है। दरअसल अनन्या ने फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल की कंपनी को खरीदा है और ये डील करीब 1500 करोड़ रुपए में पूरी हुई। माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में इसे एक बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। उधर आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी अनन्या बिरला की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गायक, गीतकार और उद्यमी अनन्या बिरला की कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन ने चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया है। मेरी तरफ से अनन्या को ढेरों बधाई। इस अधिग्रहण के बाद स्वतंत्र माइक्रोफिन देश की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बन जाएगी। तो आज के एपिसोड में हम इस डील के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि अनन्या बिरला कौन है। अनन्या बिरला देश के दिग्गज बिजनेस घरानों में शुमार कुमार मंगलम बिरला की बड़ी बेटी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक अनन्या के पिता कुमार मंगलम बिरला भारत के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अनन्या का पूरा नाम है अनन्या श्री बिरला। उम्र फिलहाल 29 साल है। जन्म 17 जुलाई 1994 को मुंबई में हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है। वहीं स्कूली शिक्षा मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की। अनन्या ने बतौर कलाकार भी अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। महज 11 साल की उम्र में संतूर बजाना उन्होंने सीख लिया था, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। 2016 नवंबर में उनका पहला इंटरनेशनल एल्बम लिविंग द लाइफ लॉन्च हुआ था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। बतौर एंटरप्रेन्योर अनन्या ने अपनी खुद की दो कंपनियां शुरू की, एक कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी क्यूरो काटे। इन दोनों कंपनियों को अनन्या बिरला ही संभालती है। अनन्या बिरला स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस की फाउंडर और CEO हैं। ये कंपनी ग्रामीण भारत में कम आय वाले परिवारों और महिला उद्यमियों को फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करती है। दूसरी कंपनी क्यूरोकाट एक लग्जरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में बने हस्तनिर्मित और कारीगरों के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि अनन्या बिरला की कुल संपत्ति करीब $13 अरब भारतीय रुपये में करीब 1,08,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब आते हैं अनन्या द्वारा की गई डील पर। अनन्या ने एक्स पर एक पोस्ट में इस सौदे के पूरा होने की जानकारी दी। एक्स पर अनन्या को एक वीडियो में बोलते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वो कह रही है, अब ये सौदा आधिकारिक हो चुका है। हमने चैतन्य के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। आज हम स्वतंत्र फैमिली में चैतन्य का तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वतंत्र को साल 2012 में अनन्या बिरला ने शुरू किया था। ये कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले करीब 22 लाख ग्रामीणों को माइक्रो फाइनेंस की सुविधा दे रही है। वहीं चैतन्य की शुरुआत साल 2009 में हुई थी और सचिन बंसल ने इसे अक्टूबर 2019 में खरीद लिया था। कंपनी के 12 राज्यों में 14 लाख ग्राहक हैं, लेकिन स्वतंत्र द्वारा चैतन्य कंपनी को खरीदने के बाद अब नई कंपनी के करीब 36 लाख ग्राहक होंगे और कंपनी की 1500 से ज्यादा ब्रांचेस हो जाएंगी। साथ ही स्वतंत्र का बिजनेस देश के 20 राज्यों में फैल जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये डील 1489 करोड़ रुपए में पूरी हुई। इस अधिग्रहण की घोषणा अगस्त में की गई थी, लेकिन अब जाकर डील फाइनल हुई है। इस सौदे के पूरा होने से अब स्वतंत्र माइक्रोफिन AUM के मामले में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बाद दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बन गई है। नई कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। फ्लिपकार्ट से अलग होने के बाद उसके को फाउंडर सचिन बंसल ने फिनटेक स्टार्टअप नवी की शुरुआत की थी। चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड उसकी ही सब्सिडरी है। अब चैतन्य इंडिया स्वतंत्र माइक्रोफिन का हिस्सा बन चुकी है। वहीं स्वतंत्र की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सीधे अपने ग्राहकों के खातों में पैसे भेजती है। ये कंपनी ग्राहकों से 20% से लेकर 24% सालाना तक का ब्याज लेती है और उन्हें छोटे लोन मुहैया कराती है। एक और खबर की बात हम कर लेते हैं, भारत के लिए एक अच्छी खबर है ये। दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज में शुमार S&P ने भारत के लिए GDP ग्रोथ का अपना अनुमान बढ़ा दिया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 में देश की अर्थव्यवस्था 6.4% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। S&P ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए अपने ग्रोथ रेट के अनुमान में 0.40% की बढ़ोतरी की है। इससे पहले एजेंसी ने इसके 6% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया था। S&P की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था का घरेलू स्तर पर प्रदर्शन शानदार देखने को मिल रहा है। इस वजह से महंगाई और एक्सपोर्ट में नरमी भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं कर पाएंगे। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।